हाँ जी, तो आज का जो लेक्चर है वो सॉल्यूशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स टेस्ट नंबर 9 का सॉल्यूशंस है। ठीक है, जो अपना बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स का टेस्ट था उसका सॉल्यूशंस भी तुम्हारे पास लेक्चर है। ओके, अपना मैं चाहता तो तुम्हें पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा सकता था, बट मेन पर्पज क्या है सॉल्यूशन वीडियो प्रोवाइड करवाने का, कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि क्वेश्चंस का अप्रोच नहीं कर पाते। ठीक है, तो अपना जो मेन मकसद है वहां पे, यहाँ पे वो क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करें वो आप सीखें। सेकेंडली, अगर मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, हो सकता है आप मुझसे कुछ क्वेश्चन समझ में ना आए। ठीक है, इसलिए मैं सॉल्यूशन वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिससे मैं एक एक चीज को कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की। ओके, बाकी हो सकता है मैं आपको मेथड बता दूं, कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेना। ठीक है, कोशिश करूंगा मेथड भी आपके पास में, कैलकुलेशन भी मैं करने की कोशिश करूंगा। जहां मुझे लगेगा लेंथी कैलकुलेशन है मैं आपको तरीका बताऊंगा, कैलकुलेशन अपने आप करनी है। ठीक है, तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, देखिए असाइनमेंट मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप से असाइनमेंट देख सकते हैं, सॉल्यूशन आपके पास में यहां पे मिलेगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप असाइनमेंट डाउनलोड कीजिए, उसके बाद में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखो, पहला क्वेश्चन है द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑफ एनर्जी स्टेट साई वन साई टू। ठीक है, एनर्जी आइगन वैल्यू ई वन एंड ई टू दे रखा है आपके पास में। ठीक है, देखो आपके पास कोई वेव फंक्शन दे रखा है साई इज इक्वल टू साई वन अपॉन ए प्लस साई टू अपॉन बी, ये आपके पास दे रखा है। ठीक है, इफ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इज मेड, एनर्जी मेजरमेंट किया जाता है इसके, देखो साई वन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी बोल रहा है ई वन है, साई टू के करस्पॉन्डिंग एनर्जी ई टू बोल रहा है। ओके, आपको बोल रहा है अगर एनर्जी मेड की जाती है, इफ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इज मेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एनर्जी टू बी ई वन। ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, तुम्हें क्या निकालनी है, तुम्हें निकालनी है पी ई वन क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, ई वन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इस वेव फंक्शन, ये पूछ रहा है हमारे पास में। ओके, तो देखिए यहां पे, तो देखो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है भाई इसका, पी ई वन क्या होगा तुम्हारे पास, सिंपल फॉर्मूला देखो, ई वन किसका वेव फंक्शन है, ई वन एनर्जी जो आइगन वैल्यू है किसके करस्पॉन्डिंग है, साई वन के करस्पॉन्डिंग। तो इसको मैं से लिख दूं साई वन किस में, इस वाले फंक्शन में। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अपॉन में अपॉन साई साई, ऐसे कर सकता हूं मैं, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे इस फंक्शन को नॉर्मलाइज भी करना है, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, अब देखो साई वन क्या है, साई वन ऐसे कैसे रहने दो। ठीक है, साई क्या है आपके पास में, देखो ये रहा साई, इसको मैं लिख सकता हूं साई वन अपॉन ए प्लस साई टू अपॉन बी अपॉन साई साई साई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो साई वन अपॉन ए प्लस साई टू अपॉन बी, साई वन अपॉन ए प्लस साई टू अपॉन बी, ये हो जाएगा आपके पास में इसका स्क्वायर। देखिए आगे, हाँ जी, साई वन का साई वन के रेस्पेक्ट में, इसको कैट में लिख लो, साई वन का साई वन के रेस्पेक्ट में वन होगा। देखो ये तुम्हें पता होना चाहिए, साई वन इज इक्वल टू वन एंड साई वन साई टू इज इक्वल टू जीरो, ये ऑर्थोगोनल होंगे, ये नॉर्मलाइज होंगे। ठीक है, तो ये वन हो जाएगा, वन अपॉन ए का स्क्वायर, वन अपॉन ए स्क्वायर, मोड में कर लो इसको, अपॉन में साई वन साई टू जीरो हो जाएगा। ये देखो साई वन वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन अपॉन मॉड ए स्क्वायर प्लस साई वन साई टू जीरो हो जाएगा, साई वन भी जीरो हो जाएगा, साई टू वन हो जाएगा, दैट मींस वन अपॉन बी के मॉड का स्क्वायर, ये आएगा। सॉल्व कर लो इसको, थोड़ा सा आंसर दे देना, ऑप्शन किस तरह से दे रखे हैं तुम्हें। देखो यहां पे तुम्हारे पास क्या बच गया, एलशियम ले लो, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, तो यहां तो बच जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। ठीक है, और यहां बच जाएगा आपके पास वन अपॉन मॉड ए स्क्वायर। ओके, यही बचेगा, देखिए यहां से देखो तुम्हारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा मोड बी स्क्वायर अपॉन मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर, ऐसा कोई ऑप्शन है, देखिए ए ऑप्शन है तुम्हारे पास में। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई, आंसर सेकंड क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, द वेव फंक्शन फॉर ए पार्टिकल इज गिवन बाय, आपके पास में साई दे रखा है, साई इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस मोड एक्स। ओके, ए कांस्टेंट है कोई, देखो देखो दिस इंप्लाइज दैट द पोटेंशियल इज डिफरेंशियल एवरीवेयर, इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशियल। ठीक
ठीक है, आगे हैज डिसकंटिन्यूटी एट एक्स बराबर जीरो, ओके, एंड हैज डिसकंटिन्यूटी एट एक्स बराबर प्लस माइनस वन बट डिफरेंशियल एवरी एल्स। ठीक है, देखो भाई इसको ये कैसे होगा, ये क्वेश्चन पहले इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से। हो गया नोट, कर लीजिए इसको नोट जल्दी से। देखिए आपके पास में क्या है, आपके पास में वेव फंक्शन दे रखा है, e टू द पावर मॉड एक्स टाइप का वेव फंक्शन आपके पास दे रखा है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है वो देखिए, आपसे ये पूछा है दिस इंप्लाइज दैट द पोटेंशियल। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, एक्चुअल में ये वेव फंक्शन के लिए नहीं पूछ रहा, वेव फंक्शन आपको ये दे रखा है पोटेंशियल के लिए पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए अपन ने कुछ इस टाइप का वेव फंक्शन निकाला था कोई पोटेंशियल के लिए। ठीक है, तो पोटेंशियल वहां पे क्या था आपको ध्यान होगा, तो कोई कांस्टेंट लिख लो, ठीक है मैं ए लिख लेता हूं, कुछ भी लिख लो, और डेल्टा एक्स, ऐसे तुम्हारे पास में क्या था डिराक डेल्टा पोटेंशियल था, उसके लिए तुम्हारे पास मैंने इस टाइप का वेव फंक्शन लिखा था, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वेयर ए इज कांस्टेंट दिस इंप्लाइज दैट द पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो इस डिफरेंशियल एवरीवेयर, क्या ये डिफरेंशियल है, ये तुम्हारे पास डिफरेंशियल है तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तुम्हारे पास में क्या हो गया, गलत हो गया, डिराक डेल्टा है ना। ऑप्शन बी देखिए, इस कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशियल एट एक्स बराबर जीरो। देखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है, तुम्हारे पास में कुछ ऐसे ग्राफ बनता है, इसका ऐसे ग्राफ बनता है। ठीक है, देखो इसके अंदर हाँ जी, देखो सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या बोल रहा है, एक सेकंड रुकिए, सेकंड ऑप्शन आपके पास बोल रहा है इस कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशियल एट एक्स बराबर जीरो। तुम ध्यान से देखोगे तो ये एक्स बराबर जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है, डिराक डेल्टा जो है एक्स बराबर, अगर मैं लिखता यहां पे डेल्टा एक्स माइनस ए, तो ए ए पे तुम्हारे पास क्या होता, कंटिन्यूअस नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी तुम्हारे पास गलत हो गया। ऑप्शन सी देखिए, Has discontinuity at x बराबर जीरो। ठीक है, तो यहां पे देखो x बराबर जीरो पे, क्योंकि डेल्टा x माइनस जीरो है, तो जीरो पे क्या हो गया, discontinuous नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी देखिए क्या है, Has discontinuity at x plus बराबर प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन पे discontinuity कहां है, जीरो पे तो है तुम्हारे पास में। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है, आंसर थ्री क्या है, इफ एच इज हर्मिशियन मैट्रिक्स देन पी टू द पावर आइटा एच इज वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, देखिए ध्यान से, H is the Hermitian matrix, ठीक है? यानी कि आपको H taken is equal to H, ये आपको दे रखा है, ठीक है? Given, ये आपको given है, okay? आपसे क्या पूछा है? E to the power iota H क्या होगा? E to the power iota H, तो option A लेके चले, इसको Hermitian check करने के लिए इसका taken ले लूँ, तो क्या जाएगा? E to the power minus iota H is not equal to E to the power iota H, तो पहला option गलत हो गया, ये Hermitian नहीं है। Option B लेके चलो, option B क्या बोल रहा है? ये unitary matrix है, unitary matrix का क्या होता है? इनटू दी पावर आइटा एच का टेगर इनटू इनटू दी पावर आइटा एच, ये कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए, तो देखो क्या हो जाएगा, इनटू दी पावर माइनस आइटा एच इनटू दी पावर प्लस आइटा एच, क्या हो जाएगा, इनटू दी पावर माइनस आइटा एच प्लस आइटा एच, कैंसिल आउट, इनटू दी पावर जीरो वन, इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये क्या होगा, एक यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, और भी ऑप्शन तुम चेक कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, आंसर फोर देखिए, आंसर फोर, द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल एट टी बराबर जीरो। ठीक है, आपको साई जीरो आपको दे रखा है, वन बाय रूट टू म्यू वन प्लस म्यू टू, कैट म्यू वन प्लस कैट म्यू टू, ओके, ये आपको गिवन है।
आर दी नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट विद एनर्जी आइगन वैल्यू ई वन एंड ई टू। ठीक है, आपको साफ साफ बोल रहा है म्यू वन के करस्पॉन्डिंग ई वन एनर्जी है, म्यू टू के करस्पॉन्डिंग ई टू एनर्जी है। ओके, और आपको ये भी बोल रहा है ई टू ग्रेटर देन ई वन है। ठीक है, द शॉर्टेस्ट टाइम आफ्टर विच साइड टी विल बिकम ऑर्थोगोनल टू साइड जीरो। ठीक है भाई, आपको क्या करना है, आपको ये लेके चलना है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो मैंने क्या किया, क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करते हैं वो देखिए। मुझे ये गिवन था, ये मुझे गिवन था, तुम्हें ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तुम्हें शॉर्टेस्ट टाइम टी पूछ रहा है। ठीक है, तो अप्रोच करने का तरीका यही है भाई। ठीक है, आप अगर एक बार क्वेश्चन को पढ़ लोगे, कुछ भी लिखोगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। जो क्वेश्चन में गिवन है उसको पढ़िए, उसके बाद उसको कॉपी अपने नोट्स में लिखिए। ठीक है, ये मुझे गिवन है, ये मुझे कैलकुलेट करना है, ऐसा कर लोगे तो आप आसानी से क्वेश्चन अप्रोच कर सकते हो। देखिए साइड टी, मुझे साइड टी लिखना है, तो कैसे लिखोगे, एक टाइम टी पे मैं बता रखा हूं तुम्हें, 1 बाई रूट टू ई टू दी पावर माइनस आयटा ई वन टी बाई एच क्रॉस प्लस ई टू दी पावर माइनस आयटा ई टू टी बाई एच क्रॉस, और यहां पे म्यू टू हो जाएगा और यहां पे म्यू वन हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखो साइड टी तुमने निकाल लिया, अब इसका ब्रा निकाल सकते हो आप, ब्रा साइड टी निकाल सकते हो, तो क्या हो जाएगा 1 बाई रूट टू म्यू वन, क्योंकि तुम्हें ये साइड टी ब्रा के फॉर्म में चाहिए ना, और यहां पर प्लस का हो जाएगा आयटा ई वन टी बाई एच क्रॉस प्लस ई टू दी पावर आयटा ई टू टी बाई एच क्रॉस। ठीक है, और ये हो जाएगा म्यू टू। ठीक है भाई, अब देखो इसकी वैल्यू जब तुम यहां रखोगे बराबर जीरो करोगे तो तुम्हारे पास जो टी आएगा, ठीक है, वो मैं आंसर आपको बता देता हूं। क्या पूरा सॉल्व करना है, देखो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं मैं आईआईटी जैम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उसमें भी करवा चुका हूं, ये क्वेश्चन जेस्ट में भी पूछा हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन सीएसआईआर नेट में कम से कम 2 से 3 बार पूछा हुआ है, और मैं नोट्स में भी ड्यूरिंग लेक्चर काफी बार करवा चुका हूं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता ये करवाने की जरूरत है। ठीक है, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं आपके पास में, आंसर जो तुम्हारे पास इसका आएगा वो बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग इसके पास तुम्हारे पास बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा, जस्ट तुम्हें यहां पे वैल्यू रखनी है, टी की वैल्यू निकालनी है, जिसने लेक्चर देख रखा है आसानी से कर सकता है। ठीक है, चल नेक्स्ट देखिए, आंसर फाइव क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो आपके पास है, द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, आपको साई दे रखा है सी ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके, इन द रेंज माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, इसकी रेंज दे रखी है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, सी और अल्फा कॉन्स्टेंट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस रेंज में, जीरो से इनफाइनाइट के रेंज में प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो बहुत आसान है, ठीक है, आप मेथड फर्स्ट, ठीक है, मेथड फर्स्ट क्या है तुम्हारे पास में, पहले इसको नॉर्मलाइज करेंगे, कैसे करेंगे नॉर्मलाइज, मोड साई स्क्वायर डीएक्स, नॉर्मलाइज करने के लिए लिमिट ये लगेगी, लिमिट का ध्यान रखना इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से तुम्हारे पास में सी की कुछ वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास। ठीक है, उसके बाद में तुम्हें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी, लिमिट क्या लगाओगे, जीरो से इनफाइनाइट, जो भी तुम्हारे पास में साई आएगा, ठीक है, नॉर्मलाइज करने के बाद वो यहां पे रखोगे तो तुम सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू 1/2 आएगी। ठीक है, मेथड सेकंड, इसमें देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन है तुम्हारे पास में, जो मेथड सेकंड बता रहा हूं उसमें कैलकुलेशन नहीं है। देखो मेथड सेकंड क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है तुम्हारे पास में क्या, साई स्टार साई डीएक्स, किस रेंज में, जीरो से इनफाइनाइट के रेंज में। अब फंक्शन को नॉर्मलाइज भी तो करना होगा, अब अपॉन में क्या कर दूं, मैं नॉर्मलाइज कर दूं इसको, साई स्टार साई कर लो dx, लिमिट क्या लगेगी, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, नॉर्मलाइज इस रेंज में होता है ना। देखिए साई स्टार साई रखेंगे तो क्या होगा, देखो मोड सी स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, जीरो से इनफाइनाइट ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx अपॉन में, यहां पे देखिए भाई लिमिट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, ये इवन फंक्शन बनेगा, तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो वो मोड साई स्क्वायर आएगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखोगे तो ये इवन फंक्शन है, तो मैं क्या करूं, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लिमिट 0 से इनफाइनाइट ले लो, फॉर्मूले में करवा रखा है, ये देखो बिल्कुल सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ गया 1/2। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये तो ऑप्शन है ना 2/4, देखो बी ऑप्शन होगा 2/4, तो आंसर बी आ जाएगा। चलिए
नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर, आंसर सिक्स। आंसर सिक्स क्या है आपके पास में? देखो साई वन एंड साई टू आर आइगन वेक्टर ऑफ एन ऑपरेटर ए कैप विद आइगन वैल्यू सी। ओके, आपको सीधी सी बात है ये गिवन है। मैंने क्या बोला था, जो गिवन है पहले वो लिख लो, एंड ए कैप साई टू इज इक्वल टू वन बाय टू साई टू, आपको ये गिवन है। ठीक है, देखो देन आपको ये भी गिवन है कि साई जो है साई इज इक्वल टू ए साई वन प्लस बी साई टू, आपको ये भी गिवन है। ठीक है, इज एन आइगन वेक्टर ऑफ, ठीक है आपके पास चार ऑप्शन है, इसको करके देखिएगा एक बार। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन क्या है कि ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है ऑप्शन ए है, ये बोल रहा है आइगन वेक्टर ऑफ ए कैप विद आइगन वैल्यू ए माइनस बी बाई टू। चेक करते हैं, कहने का मतलब तुम्हें ए कैप साई निकालना है, तो क्या हो जाएगा ए ए ए कैप साई वन प्लस बी ए कैप साई टू। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा, देखिए। ओके, तो ए कैप साई वन क्या है, वन बाई टू, तो ए वन बाई टू साई वन प्लस बी वन बाई टू साई टू। ठीक है, इसको मैं क्या कर सकता हूं, देखो वन बाई टू बाहर कॉमन आ गया, तो ए साई वन प्लस बी साई टू, कैट लगा दो, ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके बराबर है, साई के बराबर है। ठीक है, ये साई के बराबर है, देखो ये तुम्हारे पास साई के बराबर है, तो इसकी आइगन वैल्यू कितनी आएगी, वन बाई टू, और ऑप्शन में क्या दे रखा है, ए माइनस बी बाई टू, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी देखिए, आपको बोल रहा है आइगन वेक्टर ऑफ ए कैप विद आइगन वैल्यू जीरो, नहीं, इसकी आइगन वैल्यू कितनी आनी चाहिए, वन बाई टू आनी चाहिए। ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी क्या बोल रहे हैं, आइगन वेक्टर ऑफ ए स्क्वायर विद आइगन वैल्यू ए प्लस बी बाई टू, अब मुझे ए कैप स्क्वायर साई निकालना है। ठीक है, तो तुमने ये तो निकाल लिया, तो मैं एक काम करता हूं, वन बाई टू ए कैप साई तो निकाल लिया ना, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, ए कैप साई लिख सकते हो। चलिए वन बाई टू ए कैप साई की वैल्यू तुमने कितनी निकाली, सॉरी इसको ऐसे लिख सकते हो ना, अब ए कैप साई की वैल्यू तुमने कितनी निकाली, वन बाई टू मैंने बाहर ले लिया और ये तुम्हारे पास साई आ गया। इसकी तो वैल्यू निकालोगे तो वापस कितना आएगा, वन बाई टू आएगा, तो वन बाई फोर ये साई आ जाएगा। इसका मतलब ए स्क्वायर का आइगन फंक्शन है विद आइगन वैल्यू वन बाई फोर, तो ऑप्शन सी बोल रहा है ए प्लस बी बाई टू का है, नहीं, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी देखो, इसकी आइगन वैल्यू बोल रहा है वन बाई फोर, बिल्कुल सही है, ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू वन बाई फोर, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। हो गया, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आंसर सेवन। आंसर सेवन क्या है, ए पार्टिकल ऑफ मास है मूव्स इन वन डायमेंशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पोटेंशियल। आपको देखो पोटेंशियल ये दे रखा है Vx इज इक्वल टू माइनस अल्फा डेल्टा x, ये आपको पोटेंशियल दे रखा है। ठीक है, वेयर अल्फा इज पॉजिटिव कांस्टेंट, द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इन मोमेंटम स्पेस विल बी नॉर्मलाइज नहीं होना चाहिए, अननॉर्मलाइज फॉर्म के अंदर, यानी कि आपको पोटेंशियल ये दे रखा है और आपको 5p ये पूछा है। ठीक है, तो देखो जब मैंने आपको डिराक डेल्टा पोटेंशियल पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने डिराक डेल्टा पोटेंशियल भी पढ़ाया होगा। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर डिराक डेल्टा पोटेंशियल पढ़ाया होगा, और इसमें आपने जो है इसका वेव फंक्शन पोजिशन स्पेस के अंदर, ठीक है, पोजिशन स्पेस के अंदर इसका जो वेव फंक्शन लिखा होगा आपने, वो लिखा होगा क्या, रूट ए, रूट ए ई टू द पावर माइनस ए एक्स, रूट ए ई टू द पावर माइनस ए मोर एक्स। ठीक है, ऐसे कुछ लिखा होगा। ठीक है, मैंने बोला भी था ये याद रखना है आपको, जहां पे a इक्वल टू होता था m अल्फा अपॉन h cos स्क्वायर, ये आपके पास होता था। ठीक है, तो देखो पोजीशन मोमेंटम स्पेस में निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 पाई h cos इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस आईटा px अपॉन h cos psi x dx। ठीक है, कॉन्स्टेंट से मतलब नहीं है, हटा दो, अननॉर्मलाइज चाहिए तुम्हें, साई एक्स की वैल्यू रखोगे, इसको भी हटा दो, क्या आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस e टू द पावर माइनस मोड ए एक्स डी एक्स, लिमिट ये लगेगी। अब इसको कैलकुलेशन कर लेना, मैं तुम्हें बता देता हूं, देखो माइनस इनफाइनाइट से जीरो करेंगे
मोड एक्स की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से जीरो पे नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर a माइनस आयोटा p अपॉन h क्रॉस इनटू x, ठीक है, dx प्लस जीरो से इनफाइनाइट, ये प्लस में खुलेगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो e टू द पावर माइनस a प्लस आयोटा p अपॉन h क्रॉस dx। देखो यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसको मैं कांस्टेंट वाले टर्म नहीं लिख रहा हूं भाई, है ना, मैं प्रोपोर्शनल टू लिख देता हूं, प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। अब देखिए यहां पे ध्यान से, इसको जब तुम सोल्व करोगे, इसको करोगे तो e टू द पावर आयटा e टू द पावर a का क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, e टू द पावर a ही होगा, अपॉन में ये टर्म आ जाएगी, तो तुम्हारे पास में इसको जब सोल्व करोगे, देखिएगा ध्यान से, इसको देखो जब तुम सोल्व करोगे तुम्हारे पास में, तो ये ऐसा कुछ बनेगा, वन अपॉन ए माइनस आयोटा पी अपॉन एच क्रॉस, ठीक है, प्लस यहां पे वन अपॉन ए प्लस आयोटा पी अपॉन एच क्रॉस, ऐसा कुछ बनेगा ना, देखिए, ठीक है। इसको यहां पे एलसीएम लोगे, ऊपर तो तुम्हारे पास वन बचेगा, नीचे तुम्हारे पास इसको जब तुम सोल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, लिख लीजिएगा, वन अपॉन पी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर प्लस प्लस में, और ये तुम्हारे पास में जाएगा ए स्क्वायर, और ए की जगह में क्या रख सकता हूं, एम अल्फा अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आंसर इट, तो देखो यहां पे ध्यान से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तुम्हें पोटेंशियल दे रखा है, पोजिशन स्पेस में फंक्शन नहीं दे रखा है, सीधा मोमेंटम स्पेस में दे रखा है, तो ऐसे पोटेंशियल के लिए तुम्हें पोजिशन स्पेस में वेव फंक्शन याद होना चाहिए, ठीक है। आंसर आठवां क्वेश्चन है, ए वन डायमेंशन एसिमेट्रिक डबल वेल पोटेंशियल वी एक्स, आपको ये दे रखा है, ठीक है, आपको ये दे रखा है भाई, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन द ग्राउंड स्टेट, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस काफी करवा रखे हैं मैंने, और ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपके पास में TIFR के एग्जाम में, जेस्ट के एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, पार्टिकल जहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है वो सबसे हाई प्रोबेबल होता है, ठीक है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी का फंक्शन तुम ग्राफ बनाओगे तो प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव आती है, तो देखो चारों ऑप्शन जब तुम देखोगे ना, ये मिनिमम है, मतलब पार्टिकल यहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहां से तुम्हारे पास में क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर तुम्हारे पास में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर तुम्हारे पास में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी। यहां पे भी तुम्हारे पास नेगेटिव पोटेंशियल है, तो यहां पे भी कुछ प्रोबेबिलिटी तुम्हारे पास होगी, लेकिन इससे कम होगी, ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। यहां पे मिनिमम हाईली स्टेबल है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, मैंने लेक्चर में काफी अच्छे समझा रखा है, वहां पे देख लेना, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए शॉर्ट कीजिएगा इसको, चलिए आंसर नाइन, ठीक है। ये देखो AFR का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको साई एक्स दे रखा है एन, ठीक है, एन नहीं दे रहा तो अपने मन से मान लेना आप, ठीक है, एन ये कांस्टेंट है, एन बराबर जीरो से इनफाइनाइट वन बाई रूट सेवन की पावर एन फाइव एन एक्स, ये आपको गिवन है, आपसे बोल रहा है कि अगर तुम्हारे पास phi nx ये normalized wave function है, तो Hamiltonian का, कोई Hamiltonian का normalized wave function है, तो आपको n की value calculate करो, आपको क्या दे रखा है, देखो given आपको क्या है कि psi x इसकी value 1 है, ये given है, ठीक है, जो given है वो लिख लो, अगर ये given ऐसा है तो तुम्हें क्या है इसकी value calculate करना है, तो रख दो इसकी value यहाँ पे, देखिए एक काम करो, चाहो तुम इसको ओपन कर लो, थोड़ा आसान पड़ जाएगा, n ऐसे कैसे, n बराबर जीरो रखोगे इसकी पावर जीरो वन, और यहां पे फाइव जीरो एक्स प्लस, चाहो तो इसको एक काम करो कैट के फॉर्म में लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, प्लस वन रखोगे तो वन बाई रूट सेवन फाइव वन
प्लस 1/√7 स्क्वायर 52 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता रहेगा तुम्हारे पास, ठीक है। अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू रख दो यहां पे, तो इधर से साई रखेंगे और इधर से भी साई आएगा, तो मोर n स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इधर से साई रखोगे तो ये आएगा तुम्हारे पास 50 प्लस 1/√7 51 प्लस 1/√7 का स्क्वायर 52, ठीक है, प्लस डॉट 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 बीच में ये, इधर से 50 प्लस 1/√7 51 प्लस 1/√7 का स्क्वायर 52 प्लस डॉट डॉट, यही आ जाएगा तुम्हारे पास में। देखिए ये बोल रहा है इज इक्वल टू 1, ये बोल रहा है तुम्हारे पास नॉर्मलाइज्ड है, phi n x नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है, ऑर्थो नॉर्मलाइज्ड। इसका मतलब क्या होगा, phi 0 का 0 का 1 होगा, phi 0 का अदर के साथ 0 होगा, इसके इसके साथ होगा तो 1 प्लस इसका ओनली इसके साथ ही होगा, phi 1 के साथ में तो ये हो जाएगा 1/7 प्लस इसका इसके साथ ही होगा, ये हो जाएगा 1/7 का स्क्वायर, और आगे करोगे तो 1/7 का क्यूब, ये आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 1। देखो ये तुम्हारे पास जीपी बन गई क्या, जीपी का तुम्हारे पास में एन टर्म्स का सम क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, आर क्या होता है, ये डिवाइडेड बाई ए, ये डिवाइडेड बाई ए, ये डिवाइडेड बाई ए, तो 1/7 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करोगे तो मोड एन स्क्वायर ये हो जाएगा 1/6/7 इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये 7/6 आएगा, एन इज इक्वल टू इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा अनरूट में 6/7, तो ऐसा कोई ऑप्शन है, देखो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए आंसर 10, आंसर 10 ए पार्टिकल ऑफ एनर्जी ई मूव अंडर वन डायमेंशन पोटेंशियल, ठीक है आपके पास लिखा हुआ है, आपको बोल रहा है कि बाउंड स्टेट वाला फंक्शन कौन सा है, तो बाउंड स्टेट के लिए मैंने क्या बताया था, एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस इनफाइनाइट साई क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए तुम्हारे पास में गलत है क्योंकि एक्सेप्टेबल ही नहीं है तुम्हारे पास, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि क्यों है, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है तुम्हारे पास, ऑप्शन बी इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी देखो कंटिन्यूअस भी है और प्लस माइनस इनफाइनाइट पे जीरो भी हो रहा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आंसर 11 देखिए भाई, अच्छा 11 क्वेश्चन भी अच्छा है भाई, ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं टीएफआर जेस्ट के अंदर बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन नेट के अंदर भी बनते हैं, क्या है, given that psi 1 and psi 2 are eigenstate of a Hamiltonian with eigenvalues e1 and e2, ठीक है, मतलब आपको ये given है, मैंने क्या बोला था, लिख लो जो given है वो लिख लो, नहीं तुम नहीं कर पाओगे questions को, ठीक है, h cap psi 2 is equal to e2 psi 2, ये आपको given है, ठीक है, आपको क्या बोल रहा है, what is the energy uncertainty in the state psi 1 plus psi 2, आपको psi is equal to साई वन प्लस साई टू गिवन है, तो आपको क्या पूछा है, डेल्टा एच बोल दो या डेल्टा ई बोल दो, इसकी वैल्यू होती है ई स्क्वायर माइनस मोड ई का स्क्वायर, सॉरी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई का स्क्वायर, ये आपसे पूछा है, ठीक है, ये आपको इस फंक्शन के अंदर, कौन से फंक्शन में, साई फंक्शन के अंदर, देखिए आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले जो साई दे रखा है इसको नॉर्मलाइज करो, तो नॉर्मलाइज करेंगे a को कांस्टेंट मान लेंगे, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 से डिवाइड कर, 2 के रूट से डिवाइड कर दो, ये सबको आता होगा ना, काफी बार बता रखा है मैंने, ये लीजिए यही होता है। चलिए आपको पहले एक काम करो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ e निकाल लो, ठीक है, इसको मैं h भी लिख सकता हूं, ठीक है, इसको मैं h भी लिख सकता हूं, तो देखो कैसे आएगा तुम्हारे पास में 1/√2, ठीक है, ये आ जाएगा ऐसे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साई एच साई लिख सकता हूं, अच्छा साई दोनों तरफ है तो 1/√2 दो बार आएगा तो 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा साई 1 प्लस साई 2 प्लस एच साई 1 प्लस साई 2,
ये हो जाएगा 1/2। देखिए एच कैप साइवन पे अप्लाई होगा, ऐसे कैसे लिख दूं? अब देखिए एच कैप तुम्हारे पास में, एच कैप तुम्हारे पास में साइवन पे अप्लाई होगा, साइवन पे अप्लाई होगा तो क्या आएगा? इवन साइवन। देखो यहां से गिवन है तो यहां पे मैं इवन लिख लूं, इवन साइवन प्लस ऐसे ई टू पे अप्लाई होगा तो ई टू साइन टू आएगा। देखिए 1/2 साइवन का साइवन के साथ 1 तो यहां पे इवन बचेगा, साइवन का साइन टू के साथ 0, साइन टू का साइवन के साथ 0, साइन टू का साइन टू के साथ 1, ये आ जाएगा क्या? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच बोल दो चाहे इसको। तो यहां पे तुम्हें क्या चाहिए? एच स्क्वायर चाहिए, सॉरी, या फिर बोल दो इसको ई स्क्वायर चाहिए। देखो ये चाहिएगा तुम्हें, इसकी क्या हो जाएगा 1/2 ई1 प्लस ई2 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको 2 दे दो, इसको जो पूछा है तुमसे इसको 1 दे दो। ठीक है, नाउ अब तुम्हें क्या निकालना है? एच स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब साई एच साई स्क्वायर कर दो। ठीक है, देखो भाई जब इसको तुम सोल्व कर लेना, मैं तुम्हें डायरेक्टली बताता हूं, जब तुम इसको सोल्व करोगे तुम्हारे पास में आ जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। 1/2 तो बाहर रहेगा ही, जब दो बार अप्लाई करेंगे तो E1 एक और बार आएगा तो तुम्हारे पास ये बच जाएगा। ठीक है, तो तुम चाहे इसको एच स्क्वायर लिख दो चाहे ई स्क्वायर लिख दो। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, लिखो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, मतलब 2, 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। देखो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच जो तुमसे पूछा है या डेल्टा ई क्या हो जाएगा आपके पास में? ई स्क्वायर यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 ई1 स्क्वायर प्लस ई2 स्क्वायर। ठीक है, अनरूट में होता है ना ये, चलिए माइनस माइनस इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से, तो देखो क्या हो जाएगी, ये आई थी ना तुम्हारे पास, तो इसको स्क्वायर करोगे 1/4 हो जाएगा, है ना, माइनस 1/4, इसको स्क्वायर ओपन कर लो, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1E2। ओके, आगे देखिए इसको सॉल्व करो, 1/2 ये ऐसे कैसे है, एक काम कीजिएगा, देखिए E1 स्क्वायर बाई 2 प्लस का है, E1 स्क्वायर बाई 4 माइनस का है, तो क्या बचेगा? E1 स्क्वायर बाई 4, ठीक है, प्लस का बचेगा, ऐसे E2 स्क्वायर बाई 4 भी प्लस का बचेगा। आगे देखिए माइनस का 1/4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 E1 E2। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं E1 माइनस E2 बाई 2 का स्क्वायर। देखो तो इसको सॉल्व करोगे तो अनरूट हट जाएगा, ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नोट कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन था भाई ये। ओके, नेक्स्ट देखिएगा आंसर 12, आंसर 12 क्या है? द वेव फंक्शन, आपको वेव फंक्शन साई एक्स गिवन है 0 और ये है 2√3 e^-x 1 − e^-x। ठीक है, ये है फॉर x लेस देन 0, ये है x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। आपको बोल रहा है द रेशियो बिटवीन द एक्सपेक्टेड पोजिशन यानी कि ये अपॉन में मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू पोजिशन की, मतलब एक्स एम बोल रहा है उसको। ठीक है, ये क्या होगा आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, चेक नॉर्मलाइजेशन, चेक नॉर्मलाइज फंक्शन है यानी ये चेक करेंगे, तो जब तुम चेक करोगे भाई तो तुम्हारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। लिमिट क्या लगानी है वेव फंक्शन, देखो कैसे चेक करोगे इसको, इसको तुम ऐसे चेक करोगे साई स्टार साई डी एक्स, लिमिट लगेगी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अब देखो माइनस इनफाइनाइट से इसको जब तुम तोड़ोगे तो माइनस इनफाइनाइट से 0, ठीक है, ये ऐसे, प्लस 0 से इनफाइनाइट ये ऐसे। देखो 0 से इनफाइनाइट में वेव फंक्शन ये दे रखा है और माइनस इनफाइनाइट में 0, तो ये तो 0 हो जाएगी, तो तुम्हारे पास लिमिट बन जाएगी 0 से इनफाइनाइट साई स्टार साई डी एक्स, जब तुम इसको सोल्व करोगे तुम्हारे पास 1 आएगा, इसका मतलब ये नॉर्मलाइज्ड है। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है थोड़ी सी, ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन निकालते हैं ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यही हुआ। चलिए x इंटू
साई को दो बार लिखोगे तो इसका स्क्वायर होगा तो 12 तो बाहर आ जाएगा, जीरो से इनफाइनाइट, ठीक है। और e टू दी पावर क्या हो जाएगा, इसको दो बार लिखोगे तो माइनस का 2x, इसका स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर कर लो 1 प्लस e टू दी पावर माइनस 2x माइनस 2 e टू दी पावर माइनस x dx हो जाएगा। चलिए 12 ऐसे कैसे, जीरो से इनफाइनाइट, इसको देखो अंदर मल्टीप्लाई करो x e टू दी पावर माइनस 2x dx प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो x e टू दी पावर माइनस 4x dx प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो x 2x e टू दी पावर माइनस 3x dx। क्या आ गया आपके पास में, सॉल्व कर लोगे? देखो तुम्हें कैसे सॉल्व करना है, दो तरीके हैं। एक तो तुम चाहो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, बिल्कुल जनरल फॉर्मूला है जिसको गामा फंक्शन का फॉर्मूला बोलते हैं, काफी बार मैंने मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स में यूज में लिया है, ठीक है। इसको देखोगे तो तुम्हारे पास क्या होता है 1 बाई एन, ठीक है, एम प्लस 1 बाई एन, ये 1 बाई एन होता है गामा के अंदर, ठीक है, अपॉन अल्फा की पावर एम प्लस 1 बाई एन। और दिस इज मेथड फर्स्ट, और चाहो तो इस वाले मेथड से भी यूज में ले सकते हो। देखो तुमने पढ़ा होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ई, क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, क्या होता है, ये होता है एफ टी ई टू दी पावर माइनस एच टी डी टी लिमिट जीरो से इनफाइनाइट। और तुमने ये भी पढ़ा होगा टी की पावर एन का कितना होता है, टी की पावर एन फैक्टोरियल एन अपॉन ये होता है तुम्हारे पास टी की पावर एन का लाप्लास, तुम्हारे पास देखिएगा एक बार फैक्टोरियल एन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन, ठीक है। ये मेथड यूज में ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको सॉल्व करता हूं तो तुम्हारे पास देखो क्या आएगा, जैसे मानो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, तो एक्स ई टू दी पावर माइनस टू एक्स डी एक्स जीरो से इनफाइनाइट, इससे तो सॉल्व कर लोगे, इस वाले से तो, इसको सॉल्व करके बता रहा हूं। देखो यहां पे एफ टी की जगह यहां पे क्या है, एक्स है, ई टू दी पावर माइनस एच टी की जगह क्या है, ई टू दी पावर माइनस टू एक्स है, इसका मतलब एस बराबर तो टू हो गया और जो एफ टी है उसकी जगह एक्स हो गया, ठीक है। और एफ टी बराबर टी अगर मैं मानूं तो टी की पावर वन का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन, ठीक है, ये होता है फैक्टोरियल एन मतलब टी की पावर वन है, एक्स की पावर वन है, फैक्टोरियल वन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन, ठीक है। तो फैक्टोरियल वन अपॉन एस क्या है यहां पे, टू, टू की पावर एन कितना है यहां पे, एन कितना, एक्स की पावर एन होता है ना वन, वन प्लस वन, इसका मतलब जब तुम इसको सोल्व करोगे तो वन बाई फोर आएगा, तो कैलकुलेट कर लेना चाहिए इस वाले को, चाहे इस वाले फॉर्मूले सॉल्व करो, इस वाले फॉर्मूले से 1 बाई 4 आएगा, ऐसे ही तुम सबको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फाइनली जब तुम इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, कैलकुलेशन अपने आप करनी है तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा फाइनली सॉल्व करने के बाद में 13/12, ठीक है, 13/12 1.023, कैलकुलेशन कर लेना, इसको कैलकुलेट कर लेना भाई। ओके देखिए आगे, आगे देखिएगा, आगे इस क्वेश्चन में भी और पूछा है, अभी आंसर नहीं आया तुम्हारा, तुम्हें मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू पूछा है, इसकी इसका मतलब तुम्हें यह पूछा है, देखो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी ये तुम्हें पूछा है, ठीक है। तो इसको तुम, इसका मतलब क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल के लिए अपन क्या करते हैं, इसको जीरो के बराबर करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब डी अपॉन डी एक्स मोड साई का स्क्वायर ये रहा, तो यहां पर देखो 12 e टू दी पावर माइनस 2x 1 माइनस e टू दी पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो करोगे तो तुम्हारे पास जो x है आ जाएगा, कर लेना इसको डिफरेंशिएट कर लेना, वो आ जाएगा तुम्हारे पास 0.693, मतलब log 2 आएगा और इसकी वैल्यू 0.693 आपको पता है, तुम्हें निकालना क्या है, ये निकालना है, ठीक है। जब ये निकालोगे यानी कि 1.023 अपॉन 0.693 कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास में आ जाएगा ये 1.563, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थोड़ी सी क्वेश्चन में कैलकुलेशन थी तो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं, ठीक है। अगर आपने अच्छे से कैलकुलेशन की है, टाइमली उसको रिवाइज किया है, तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया है ये लास्ट ईयर तो है, जेस्ट के अंदर पूछा हुआ है, ठीक है, जेईएसटी जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीन टेस्ट, जो कि पीएचडी इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए एग्जाम होता है, जिससे आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलता है। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए आंसर,
14 क्या है, द वेव फंक्शन ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल इज गिवन बाय साई एक्स इज इक्वल टू 3/5 साई वन प्लस 4/5 साई टू। ठीक है, आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसको जब फाइव वन दे रखा है तो फाइव वन लिख देना साई वन, फाइव वन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी इतनी है और फाइव टू के करस्पॉन्डिंग एनर्जी इतनी है। ठीक है, आपको बोल रहा है द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल स्टेट साई, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले इसको नॉर्मलाइज चेक करेंगे, नॉर्मलाइज चेक, इसको नॉर्मलाइज चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, देखो तरीका क्या है, इसके कॉफिशियंट का स्क्वायर 9/25, इसके कॉफिशियंट का स्क्वायर 16/25, तो 16 + 9 = 25, 25/25 कितना हो गया 1, इसका मतलब ही नॉर्मलाइज्ड है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, देखिए ध्यान से, ये तुम्हारे पास 1 आ गया है, अब अपने को एनर्जी निकालनी है। तो मैंने इसका तरीका बताया था P1E1 + P2E2। ठीक है, P1 मतलब इसके प्रोबेबिलिटी 9/25, और E1 की वैल्यू कितनी है, इसके करस्पॉन्डिंग -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस P2 इसकी प्रोबेबिलिटी 16/25, और इसके करस्पॉन्डिंग जो Φ2 है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 25 तो कॉमन आ गया, तो 9 + 16 = 32, तो कितना हो जाएगा -41/25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपके पास में, देखिएगा आंसर 15, आंसर 15। ठीक है, क्या है, इफ द वेव फंक्शन इन कोऑर्डिनेट स्पेस, बहुत आसान क्वेश्चन है, साई एक्स इज इक्वल टू आपको डेल्टा एक्स दे रखा है, देन मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन, ठीक है आपके पास पता है फाई पी इज इक्वल टू 1/2π, क्या होता है e^iPxyH क्रॉस, ठीक है साई एक्स dx, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, साई एक्स की वैल्यू क्या रखोगे, डेल्टा एक्स, इसका फॉर्मूला बता रखा है डिराक डेल्टा का, फंक्शन में एक्स माइनस जीरो है, एक्स की जगह यहाँ पे जीरो रखो तो क्या हो जाएगा e^iPxy0, इसकी वैल्यू कितनी होती है e^0 की वैल्यू 1, यहाँ पे क्या बचा आपके पास में 1/2π। तो ऑप्शन कोई है ऐसा, बिल्कुल ऐसा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपके पास में जो टेस्ट 9 मैंने लिया था बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स उसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट टेस्ट जो है आपका पोटेंशियल प्रॉब्लम्स का है, उसमें 1D 2D 3D बॉक्स है। ठीक है, इसके अलावा हार्मोनिक ऑसिलेटर है, डिराक डेल्टा पोटेंशियल है, वो सारे आपके जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होंगे, नेक्स्ट एग्जाम टेस्ट के अंदर, जो कि 10वें नंबर का टेस्ट है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा आपको। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच, जय श्री श्याम।